कम डालेंगे ये जीरा राइस है, राइस जीरा थोड़ी ना है कि जीरा ज्यादा होगा राइस का। I dream I know deep up my feelings for you. Watch them grow, perceive devote. Everyone, welcome to our channel. और कैसे आप लोग अच्छे होंगे? एक्चुअली आज गुड मॉर्निंग नहीं है, अभी हो गया है गुड आफ्टरनून। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये क्या पागलों वाली हरकतें कर रही है, छत पर टेरेस पे आई हुई है और देखो क्या कर रही है। धूप हो रही है बढ़िया, एकदम बढ़िया सी। और आज हम लोग वैसे ब्लॉगिंग नहीं करने वाले थे, लेकिन फिर मुझे लगा कि आप लोगों से हम लोग कैसे जुदा रह सकते हैं, इसलिए ये ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया आज। ऐसा ब्लॉगर बिल्कुल डेली ब्लॉगर यही होना चाहिए जो बिल्कुल अपने कर्म पे तट पर अपने काम के लिए तट पर तैयार रहे, अपने कार्यों के लिए तट पर तैयार रहे। पहले बेटा नदी के तट पर तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा, ये लॉकडाउन खुल जाए। अब भाई अब मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे क्योंकि अब ये मेहनत करने के लिए उतर रहा है। देखो चढ़ा रही है मुझे। तो बस यही है कि लेकिन आज की रेसिपी क्या बनाई है खाने में? हमेशा की तरह पंजाबियों का फेवरेट और मेरे हस्बैंड का भी फेवरेट राजमा चावल। वाह राजमा चावल। तो अभी राजमा चावल, और एक्चुअली टाइम हो गया है 1:30 से ऊपर और मैं अभी नहाया हूँ बिकॉज मैं सुबह से आज योगा किया मैंने और फिर मैंने स्क्वैश खेला घर में ही। स्क्वैश कैसे खेला वो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन कभी टाइम लगा तो ज़रूर दिखाऊंगा कि बिकॉज वो बॉल होती है और रैकेट से उसको मारना होता है। तो मैंने वो सामने बॉल देख रहे हो बॉल पीछे, वो बॉल पे मैंने यहाँ से चार्ज किया और रैकेट से खेला। मैं आपको कभी खेल के दिखाऊंगा वो। तो अभी जाते हैं, राजमा चावल का टाइम हो गया है, लंच हो गया, लंच करना है, बहुत भूख लग रही है। तो अभी राजमा चावल खाने जाते हैं। आ रही हो तुम? अच्छा आ जाओ। अभी मैं काट रही थी क्या ककड़ी। अच्छा ककड़ी। तो पूरा बोलो ना, डबल मीनिंग क्या? अरे बाप रे, ये ककड़ी देखो सांप जैसी है। क्योंकि आज घर में अच्छा तुमने ये दिखाया कि ये मटका आया यहाँ? आहा क्या पानी रहता है इसमें ना, चिल्ली पानी बहुत ठंडा है गाइस, बहुत ठंडा है। तो तुम्हें कैसा लग रहा है मटका आने के बाद? सबसे ज्यादा मुझे खुशी होती है कि जब से मैं आई हूं रोज बोलती थी फ्रिज का पानी मैं पीती नहीं हूं मेरे घर में, मतलब लाइक मेरे हस्बैंड और मेरी बेबी कोई भी पानी नहीं पीता फ्रिज का, कोई नहीं पीता बस। नहीं जैसे और है फैमिली मेंबर जो पीते हैं। कौन? सिर्फ एक ही पीता है? मम्मी कभी कभी पी लेती, पापा बिल्कुल नहीं। मैं नहीं पीती और ये नहीं पीते, तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना ठंडा पानी पीना तो होता है बहुत गर्मी। और ये क्या बन रहा है यहाँ पे? ये बन नहीं रहा, सॉरी गर्म हो रहा था राजमा। वाह राजमा ऐसे कैसे दे, ऐसे दिखा राजमा। हाँ 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 एकदम पंजाबी तड़का है। राजमा के साथ बना है जीरा राइस। तो वाह जीरा राइस का है, जीरा राइस क्या है ये देखिए, यहाँ जीरा राइस बना हुआ है। जीरे तो दिख नहीं रहे इसमें, जीरे दिख नहीं रहे, ये ब्लैक ब्लैक कलर के कम डालेंगे ये जीरे। जीरा राइस है, राइस जीरा थोड़ी ना है कि जीरा ज्यादा होगा राइस का। जोक्स बना रहे थे ना, ये पिटारा है पिटारा। चलो सही है, तो अभी हम सारी फैमिली मिलकर खाएंगे राजमा चावल। चलो और उनके उसके बाद ये करेंगे रेस्ट, फटाफट खाना लगाओ यार। खाने रेस्ट वेस्ट नहीं करूंगा मैं, पढ़ूंगा यार थोड़ी देर, बुक पढ़ूंगा। चलो यार क्या करूं यार, मोबाइल भी देखने का मन नहीं कर रहा है। एक्चुअली मेरा मन नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा करके 24 घंटे में 10 घंटे आप मोबाइल देखते हो। मेरा मन कर रहा था मैं पढ़ लूं आज कुछ किताब, सोच रहा हूं पढ़ लूं क्या। इनका मन नहीं कर रहा है तो 24 घंटे में 10 घंटे, अगर मन करेगा तो, मन करेगा तो सोगे भी नहीं आराम से, मैं सोऊंगा मोबाइल चेक ही नहीं करूंगा। मोबाइल से ना नफरत है इनके, मोबाइल से मैं करूं चलेगा? ऐसा क्यों बोल रही है? मैं करूंगी चलेगा, चलेगा देखो। मेरे को पता नहीं ना उस मोबाइल में क्या है। हाँ मोबाइल में है छुबंता, मोबाइल चेक करना किसी का भी बहुत बुरी बात है पता है। मैं तो करती नहीं फिर तुम्हें ये, बट मेरे मोबाइल को आराम से लोग चेक करते हैं, मैं तो कुछ कहती नहीं फिर भी। क्या बात कर,
अच्छा हर एक चीज का पासवर्ड इनको पता है, हर एक चीज का। हाँ ये तो है, ये तो बात सही है वैसे। आई एम ओपन बुक बट जस्ट फॉर माई हस्बैंड। वेरी गुड, आज बिंदी बिंदी लगाई है तुमने, क्या बात है। देख लिया ना आप लोगों ने कि मुझसे कितना प्यार करते हैं, बिंदी लगाते हुए कितने दिन हो रहे हैं, रोज लगा रही हूँ। क्या बात कर रही हो, लेकिन आपकी नजर कब पड़ी? ध्यान से तो मैंने आज देखा है ना, फिर एक्चुअली कई दिनों से ध्यान से देखा है, ध्यान से देखा है। मैंने बोला था ना काम में बिजी, कल वाले ब्लॉग में काम में बिजी था ना मैं। क्या काम कर रहे थे आप? मोबाइल देख रहा था ध्यान से। और जीविका अभी अपने दादी के साथ रेस्ट कर रही है और मैं यहाँ पे हूँ। सही है। ओहो, लाइट जल गई, लाइट जल गई अचानक, तो अच्छा लग रहा है यहाँ ना। अच्छा तो हम लोग यहाँ पे बैठकर, हम लोग नहीं, मैं एकांत में थी क्योंकि ये एकांत में मोबाइल में थी। ये एकांत में थी और मैं शांत में था। और मैं इनको एकांत से घूर रही थी कब से, मोबाइल नजर मेरी रहती है, चाहे मेरा पासवर्ड रहे इनका मेरे पास ना रहे, खबर सारी है मेरी कि इस मोबाइल में क्या है। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है भाई मोबाइल में, ऐसा क्या होगा, क्या बोल रही है, कुछ भी है। भाई हस्बैंड है, तिजोरी लूट लो चलेगा, हस्बैंड नहीं है। अरे सेंटी होगी, सेंटी नहीं हुई है जिस बात की। अरे बाल मेरे काफी बढ़ गए ना, मस्त हो गए। अब आप मेरी तरह आप भी छोटी बांध सकते हो, सिल्की बाल। कैसे 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 फिर से सिल्की बाल। वो कौन सा एक अमरीश पुरी साहब का था ना, एक चड्डा 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 चड्डा। आप मोबाइल बहुत मूव कर रहे हैं, वाओ। और बताओ और क्या, और सब ठीक है बस। एक बहुत पेट क्वेश्चन और बताओ, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, वही चल रहा है जो लॉकडाउन में सबका चल रहा है, आराम आराम। एक्चुअली ना इसको ऐसा लग रहा है कि लॉकडाउन होकर के इसके ऊपर काम का बर्डन ज्यादा हो गया, ऐसा है क्या तुझे ऐसा लग रहा है? नहीं यहाँ तो थोड़ा कम है, ऐसा नहीं है बट बॉम्बे में काफी ज्यादा है। नहीं बॉम्बे में था और इनके ऊपर भी, क्योंकि ये भी मेरे को पूरा फुल सपोर्ट कर रहे थे बराबर में। सही बात है। अब तुम वो छोड़ना और बताओ। मेरे नेल पेंट्स खराब हो गए अभी। नेल पेंट्स? अरे वाह। अरे मैं सोच रहा हूं तुम नेल पॉलिश लगा दूं, आज नहीं कल परसों फिर कभी लगाऊंगा। आप रहने दीजिए मुझे नेल पेंट लगाना है, मुझे पेंट नहीं करा। आई विल ट्राई। अरे पेंटिंग मेरी बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं। आपको क्या नेल पेंट लगाना आता है? अरे मेरे नेल, तुम क्या बात कर रही हो, मेरा पहले काम था ये, तुम पता नहीं है। अरे मेहंदी लगाना, चूड़ियाँ पहनाना, नेल पेंट लगाना, ये सब मेरा काम था पहले। अरे बहुत मशहूर था मैं दिल्ली में भाई, इस चीज में दिल्ली में करोलबाग में बैठता था मैं, सच्ची। हाँ अरे तुम किसी से भी पास जाके पूछ सकती हो, जीतू भाई जीतू भाई जीतू भाई। सीरियस हो गई थी मैं, टेंशन में आ गई थी। अरे सच बात है यार, कल जब देखना तो मैं नेल पेंट लगाऊंगा। ए चूड़ी वाले, हरी हरी चूड़ियां लाना। हां वही वाला मैं बोल तो रही हूं, गली गली में जाके चूड़ी बेचने लगता भी हूं ना मैं, चूड़ी बेचने वाला। कोई छुप के हमें देख रहा है। मियाओ, गया गया। मियाओ, मेरे से लग गया। आज रोज दिन इसको लगता ही रहता है। जीविका आपके मतलब जीविका टिकती नहीं है अभी, क्या ना अभी इतने सारे लोग हैं। अच्छा एक बार देख के चलिए। आओ ठाकुर, ये आ गया ठाकुर। ये देखो जो फोन लिया, फोन की डिबिया, सारे बंद मोबाइल के खजाने इसके पास। जीविका आप थोड़ा रेस्ट कर लो बेटा। हाँ वो तो देख रही हूँ बेटे, चार बजने वाला, आपने रेस्ट ही नहीं किया। शर्ट बड़ी अच्छी पहनी है आपने। अरे शर्ट अच्छी है। अच्छा बाय द वे आपको पता था क्या, देखो पहनने वाला अच्छा है, ऑलमोस्ट कलर मेरे में भी है। मैचिंग मैचिंग सा हो गए। हां एग्जैक्टली। मेरे को नकल करके पहनती हो तुम। मैं पहले तो शर्ट वही पहन के आया था, उसके बाद तुम तैयार हो गए। एक्सक्यूज मी, आपसे पहले मैं आई हूं और आपसे पहले मैं कपड़े पहनी हूं, आई मीन ये इस कलर का कपड़ा। ठीक है चलो ठीक है, कोई नहीं। अच्छा 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 है, लेकिन अच्छा है। आप कह रहे थे रीडिंग करोगे आज? हाँ मैं आप रीडिंग करूँगा यार, तुम जाओ मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं जा रहा हूँ रीडिंग करूँ। मैं सोच रहा हूँ आराम से ऊपर बैठ के जाऊँ, ऊपर बैठ के रीडिंग करूँ। ठीक है।
मिलते हैं फिर थोड़ी देर में, बाय। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या सोच रही हूँ, तो एक बात बताऊं, इंस्टेंटली मेरे दिमाग आया कि ये तो गए ऊपर रीडिंग करने के लिए और इनको लग रहा है कि मैं यहाँ पर सो रही हूँ, तो अब मैं इनकी बजाऊंगी बैंड। डराने की मैं करूँगी कोशिश, क्योंकि बैंड डराने में बहुत आगे हूँ। अभी तक तो इन पर ट्राई नहीं किया, लेकिन मैं अगर चाहूँ ना तो डरा सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, अचानक जाऊँगी, और ये तो जब रीडिंग करते हैं ना तो इनका जो दिमाग होता है बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट, तो वो किसी को देखते नहीं, और अचानक मैं जाऊँगी तो कैसे जाऊँगी। लेकिन डरते हैं या फिर मैं ही डर जाती हूँ पता नहीं, लेकिन जो भी होगा चलिए चलते हैं ऊपर। लेकिन थोड़ी देर में, अभी नहीं, अभी तुरंत जाएंगे तो उनका कॉन्सेंट्रेशन क्या, अभी तो वो गए होंगे बुक देखेंगे, थोड़ी देर में आधे घंटे बाद जाऊँगे जब एकदम बिल्कुल डीपली वो बुक में घुस जाएंगे। ठीक है, बुक बहुत बढ़िया है, अच्छी बुक है, मेरा मुझने कुछ नहीं, अच्छा सब तेरा। कितनी देर से बुक पढ़ रहे हो आप? अरे यार मैं नीचे से भाग के आया, थोड़ा मैं रिलैक्स होऊंगा, अकेले बैठ के पढ़ूंगा, तुम आ गई है मेरे दिमाग खाने, थोड़ा आराम करो, सो जाओ। नहीं नहीं सोना तो नहीं है। अच्छा ठीक है, आप पढ़ो, मैं बैठी हूँ। बैठो। तो शूट वूट किया तो एडिट कर लो। एडिट तो मैं शाम को करती हूँ ना। हमेशा मुझे कहते थे कि मैं डरता नहीं हूँ, उसी की मैं एक छोटी सी
टेस्ट ले रही थी। डर गए क्या? डर गए? अरे गब्बर सिंह क्या कह कर गया जो डर गया। डर के कांप रहे हो, लिटरली कांप रहे हो। देख जो भी है ये तेरे मेरे बीच की बात है, ठीक है ना? क्या तेरे मेरे बीच की बात नहीं? हाँ। वो जीविका का वॉकर दिख रहा है वो सामने, देखो आप विंडो के पास दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। और आपने जो मैट रखा है योगा का, वहां पे देखो कैमरा लगा हुआ है। यार तुम ऐसे कैसे फालतू मतलब कर रही हो यार ये सब? आप चिल्ला रहे हो, कैमरा लगा है सब देख। कोई कैमरा वैमरा नहीं लगा, ठीक है दिख नहीं रहा मुझे कैमरा। मैं लेकर आती हूँ। देखिए एक मिनट लाइट जलाती हूँ जरा। ये सब हरकतें मतलब मानोगी नहीं तुम्हें? ये एक प्रैंक था। प्रैंक था? मुझे तो बताया नहीं तुमने तुम प्रैंक कर रही हो। ये देखो ये वही है सरप्राइज गिफ्ट दो, बताया नहीं हम। कुछ एक शेड्यूल तो होता है ना कि यार कि हम प्रैंक, लेकिन कैसे बताते हैं? आपने जब एयररिंग्स का प्रैंक किया था मेरे साथ आपने मुझे बताया था? नहीं बताया था, लेकिन यार कुछ शेड्यूल तो होता है ना कि 10-15 दिन पहले हमने कभी डिसाइड ही नहीं किया कि हम कोई प्रैंक करने वाले हैं, अचानक ही तुमने कर दिया। जब आप नीचे थे ना और आपने मुझे बोला अरे मैं जा रहा हूँ ऊपर, तभी एक खुराफात मेरे दिमाग में आ गई थी और मैंने इनसे बात कर ली। भाई मेरा ना हार्ट बीट बदल तेज हो गया था बहुत ज्यादा, ठीक है? और तुम्हें पता है ऐसा फालतू की मुझे पसंद नहीं है, और तुम परेशान हो रहे हो ऐसा हो रही थी ना, मुझे लगा अजीब सा लग रहा था बहुत। मतलब बात डरे या नहीं ये बताओ। ऑब्वियसली ना यार, अचानक से बैठे बैठे बंदा करने लगेगा तो यार कोई भी बोलेगा क्या। अब पता है ये इरिटेशन है ये, क्योंकि मेरे सामने ये डर गए ये प्रूव हो चुका है तो अब वो चिढ़ रहे हैं, लेकिन ये मान जाओ बेटा एक बात याद रखना, इसका बदला तो मैं लूंगा। ईयररिंग्स का बदला मैंने लिया, अब इसका बदला आप लोगे। ये तो मैं लूंगा। दोस्तों भाइयों और बहनों, आप लोग काफी टाइम से प्रैंक का डिमांड कर रहे थे। मैंने एक छोटा, ये प्रॉपर प्रैंक तो नहीं कह सकते, एक ब्लॉग के अंदर छोटा सा प्रैंक मैंने किया है और बहुत रिस्क लेके, ये मुझे मार भी सकते थे थप्पड़ वप्पड़, लेकिन ये लकली इन्होंने मारा नहीं मुझे, क्योंकि इस टाइम ये ना कभी रात को सोने के टाइम भूत जैसा कुछ करूंगी तो भी ना ये बहुत डरते हैं उस टाइम, और इस टाइम उन्होंने लिटरली हाथ नहीं छोड़ा मेरे, तो ऑन द कैमरा मेरे को चाटा लगना था, इस पे तो चाटा लगना था। जीविका भी ऐसी है, अगर उसको किसी ने डराया ना तो वो तो घुसा मारते खींच के। लेकिन आप लोगों ने इंजॉय किया क्या? बस ये जस्ट चिल चिल ऑडियंस के लिए तो आप बोले ना, उनके लिए हमने किया है, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन मुझे तो बहुत मजा आया। आठ सीरियल में क्यों नहीं चली जाती तुम? सीरियल आवाज देने के लिए, सीरियल और मूवी के लिए हमारे घर का स्टार ही काफी है, हम तो स्टार को संभालें यही हमारा फर्ज बनता है। तो ये मजा तो बहुत आया मुझे, आप लोग जल्द से जल्द कमेंट कीजिए भाई, बहुत सारे कमेंट्स कीजिएगा। किसको सच में डर लगा है? आप में किसी को डर लगा है ये बताना। अब तो लाइक कर ही दो यार, शेयर भी कर देना भाई। हाँ शेयर भी करना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल पर, नए हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर देना बस। ब्लॉग को एंड करें? हाँ जी चलिए बाय। नहीं तो इसके दिमाग में कुछ और खुराफात आ जाएगा। नहीं अब प्रैंक का हमेशा गैप रहता है, अब आप डिसाइड करना प्रैंक। नहीं नहीं सॉरी बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपके घर वाले परेशान हो या फिर हमारे देश को नुकसान हो। बाय, टेक केयर, बाय बाय।